वेलकम टू माय चैनल बीट योर बेस्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं कैम सिविल अकाउंट्स मैनुअल, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं 8 में और 21 दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोगों को 21 का सिलेबस फिलहाल फॉलो करना है। 21 के सिलेबस में चैप्टर 1 हम लोग देख रहे थे, और चैप्टर 1 में आपको 1.2, 1.4 और 1.12 पढ़ना है ना। तो जिसमें 1.1 को मैंने अपने मन से इंक्लूड किया था, और पहले वाले वीडियो में इसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड वीडियो में 1.4 और 1.12। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं 1.4। अच्छा, आप लोग सब लोगों के पास में किताब अगर है तो जरूर खोल लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी, राइट। अब हम लोग आते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेजरी के बारे में, राइट। एक एक रूल मैंने बताया था ARP 1992 ARC, राइट। ये अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरी, और अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरी क्या कहता है कि दो तरह के ट्रेजरी होते हैं, कौन से, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग। और आपको ये पता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंट में ये वाला काम आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंट यानी बैंकिंग ट्रेजरी काम आता है। तो बैंकिंग ट्रेजरी कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल हम लोगों ने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, आपको बताया था कि RBI बैंकर्स ऑफ द बैंक कहलाता है, और आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी या तो डिपार्टमेंट है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, हर एक ने कोई ना कोई बैंक तय कर रखा है। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसने खुद ने तय नहीं किया, CGA ने तय किया है। ये तय करने का आपको क्या तरीका है ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन RBI और एनी अदर शेड्यूल्ड बैंक, और इसके बारे में मैंने कल कह रखा था कि ये बैंक गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, इसीलिए आप बिल्कुल मत समझिएगा कि केवल गवर्नमेंट बैंक ही शेड्यूल्ड बैंक होगा, राइट। अब आप देख लीजिए कौन तय करता है, CGA तय करता है, कौन, CGA, ठीक है, डिसाइडेड बाई CGA और मिनिस्ट्री पब्लिक डिपार्टमेंट। इससे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग कंफर्म रहिएगा, समझ गए। यहाँ पे CGA ने तय किया है, क्या तय किया है कि आपका एक बैंक होगा, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक, अब जो नए चेक आते हैं बैंकों में वो माइकर कोड वाले होते हैं, समझ गए। माइकर कोड के बारे में जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि माइकर कोड को फुल फॉर्म में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। अब कहेंगे मैं बैंक के बारे में बताने वाला था, अब सीधे चेक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, फिर थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, एक तरह का ये कोड है जो कि 9 डिजिट का होता है, और इसको हम लोग डिकोड अगर करें तो 3, 3 और 3 में पहला है पिन कोड ऑफ सिटी। अब ये पिन कोड पोस्टल पिन कोड मत समझिएगा, बैंक अपना पिन कोड है जो केवल 3 डिजिट का होता है, ठीक है, कोड ऑफ बैंक और कोड ऑफ ब्रांच, ठीक है, ये आप देख लीजिए माइकर कोड में आता है, राइट। ये और IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और कोड, ठीक है, ये जो होता है ना इससे माइकर कोड थोड़ा सा अलग है। वजह, IFSC कोड जो होता है देश के अंदर ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है, देश के अंदर, और IFSC कोड जो होता है उसके ऐसे कुछ बैंक हैं जिनके ब्रांचेज भारत के बाहर भी हैं, या तो वो पता है कि नहीं, है ना, पता है नहीं, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके ब्रांचेज भारत के, ये ग्लोबल पेमेंट भी काम आता है, राइट। अब आपको यहाँ पे रिलेट कर देता हूँ मैं, यहाँ RBI और उसके अदर शेड्यूल बैंक जिसको CGA ने तय कर दिया है मिनिस्ट्री के लिए, बैंक
उसमें आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांच नंबर, ब्रांच कोड होता है, ब्रांच कोड, समझ गए? मैंने सिटी तो होता ही है, बैंक भी होता है, ब्रांच कोड तक स्पेसिफाई किया रहता है। और मजेदार बात यह है कि आप उसी ब्रांच कोड में सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक ही केवल तय नहीं किया जाता है, ब्रांच कोड भी तय होता है, मतलब ब्रांच भी तय होता है। क्लियर हुआ है ना? बताइए, बोलिए। नहीं बोलेंगे? करो, मैं बोलता। ठीक है, कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, चैप्टर 3 के पारा 1 में दिखाया था आपको कि कोई भी ट्रांजेक्शन केवल पाओ कर सकता है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ना, बताइए, केवल इतना ही बता दीजिए। हाँ सर, एनी ट्रांजेक्शन ओनली बाई पाओ, एंड पाओ स्टैंड फॉर पे एन अकाउंट प्रोसेस समवेयर इन स्पेशल केसेस। क्या होता है कि डीडीओ को भी ये पावर मिल जाता है, जिसको कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, है ना? डीडीओ पॉपुलरली ये डीडीओ कहलाता है, अदरवाइज इस टर्म में सीडीडीओ है, चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। सी सिंपल इंडिकेट करता है कि आपका अमूमन जो पेमेंट हो रहा है वो चेक से हो रहा है, और आपको पता ही है कि चेक और बैंक ड्राफ्ट दोनों को हम लोग कैश कंसीडर करते हैं, पता है कि नहीं? बोलिए, है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको कैश कंसीडर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो पता ही है कि ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश सेटलमेंट से होते हैं और एडवाइस होता है, जिसको कि आरबीआई एडवाइस सिस्टम कहते हैं, आप लोग जानते हैं ना? हमने आपको सीपीडब्ल्यू की क्लासेस में भी बतलाया था, सेटलमेंट दो तरह के सर होते हैं, है ना? सही, बिल्कुल सही। एक होता है कैश सेटलमेंट, है ना, और एक होता है आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा, जब आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर आ गया, इसका साफ मतलब ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पता है ना? अगर आरबीआई की भूमिका है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई मुझे बतलाएगा? आरबीआई हेडक्वार्टर ये मुंबई में नागपुर कहाँ सर, है? मुंबई ना ना, मुंबई मुंबई में है। मुंबई हाँ, राइट। लेकिन मुंबई ब्रांच आपका ये ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं करता है, आपका ट्रांजेक्शन करता है आरबीआई नागपुर, है ना? और आरबीआई नागपुर में एक काश ब्रांच है, काश, ठीक है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन इन है, क्या है सर, ना? वही सेंट्रल अकाउंट काश, सेक्शन। सेंट्रल अकाउंट सेक्शन काश, समझ गए? अच्छा, मजेदार बात क्या है कि आपके पास में दो मेजर हेड है, जिनको मैं बाद में डिफाइन करूंगा, उन दोनों मेजर हेड को मैं पहले लिख देता हूँ, आप लोग इसमें बिल्कुल भी पैनिक मत हो जाइएगा। एक मेजर है 8658, यह है आरबीआई डिपॉजिट, समझ गए? हाँ या ना? सर बोलिए। yes, लेकिन 8658 आरबीआई डिपॉजिट है, उसमें से आपका वाला जो इंटर डिपार्टमेंटल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जो माइनर हेड डिसाइड किया गया है, तो मेजर हेड 865, 875, सब मेजर हेड 00 और माइनर हेड है 101, किसमें? 8675 में, समझ गए? हाँ, जी सर, ठीक है। दूसरा जो हेड है सर वो है 865 सर ये का। इंटर हाँ, सेटलमेंट है सर, क्या बोली मैम? ऊपर वाला जो 8675 जो हो गया हेड आरबीआई का, तो वो इंटर स्टेट सेटलमेंट वाला हो गया ना? अभी आपको इंटरेस्टेड का बात नहीं कर रहे हैं भैया, ठीक है, बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक आरबीआई डिपॉजिट ये समझिए तो मसला, रिमिटेंस का हेड है। अच्छा, 8675। हाँ, नहीं, ये डिपॉजिट है, आरबीआई जो है 8675 आरबीआई डिपॉजिट है, ठीक है। 8658 हो गया, उसमें से फिर सब मेजर हेड 00 और माइनर हेड 110, समझ गए? ये हो गया आरबीआई काओ, समझे? सेंट्रल काओ का फुल फॉर्म क्या है भाई? आरबीआई काओ का, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा। आरबीआई काओ का फुल फॉर्म क्या है? आरबी सस्पेंस अकाउंट, आरबीआई सस्पेंस काओ, सेंट्रल अकाउंट, सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, सेंट्रल अकाउंट ऑफिस,
समझ गए, तो दूसरा वाला मेजर रेट बता दिया, ठीक है। और आपका वाला जो मेजर रेट था मैडम, जो आपने पूछा था इंटर स्टेट, है ना, वो इंटर स्टेट 8793 है। देखिए 8786 जो है वो है सेंट्रल वर्सेस स्टेट, समझ गए, और 8793 जो है वो है स्टेट वर्सेस yes, स्टेट। यस क्लियर हुआ? यस सर, है ना। तो यहाँ आप इस चारों मेजर हेड को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा, तो आप लोग इसको अपने पेपर पे लिख लीजिए फिलहाल, जब तक मैं बाकी चीजें क्लियर करता हूँ, सो देट बाकी जब मैं इसकी जिक्र करूंगा तो आप लोग इसको वहां से रिलेट कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक आरबीआई है जिसके साथ में एक एडवाइस वाला प्रोसीजर भी लागू पड़ता है और कैश वाला भी, है ना। कैश के लिए अब आप देखेंगे, मैंने बता दिया है कि आपको पेमेंट करने के लिए पाओ पाओ ही अथॉराइज है हर हाल में, पे एन अकाउंट परचेस, राइट। अब होता क्या आपको मैं बताता हूँ, पेमेंट करने के लिए पाओ जरूर अथॉराइज है, पर पाओ फर्स्ट सिग्नेटरी नहीं है, पाओ सेकंड सिग्नेटरी है। क्यों? क्योंकि पाओ जो अकाउंट्स ब्रांच का हेड है, और मैंने आपको डिवीजन के एग्जाम्पल से बतलाया था कि अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सही है गलत? सही है, है ना। और जो डिविजनल अकाउंटेंट है वो सेकेंड सिग्नेटरी है कि नहीं? उसी तरीके से पाओ जो है सेकेंड सिग्नेटरी है, समझ गए। और जो फर्स्ट सिग्नेटरी होता है ना वो टेक्निकल हेड होता है, टेक्निकल हेड वहां पे जो भी होगा, समझ गए। कोई भी चेक जो होता है, आपने अगर रिसीट एंड पेमेंट रूल पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि 50,000 से ऊपर के सभी चेक में डबल साइन चाहिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, 50,000 के ऊपर से सभी चेक में डबल साइन चाहिए, समझे। लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है, हकीकत में 100 रुपये तक चेक होता है ना, 10 लाख कर दिया है। हाँ सर, 50,000 तो हो गया होगा, हो गया, चलिए मान लिया मैं 10 लाख कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये हकीकत है कि आपका 10 रुपये का भी चेक होता है ना तो भी डबल साइन लोग लेते ही लेते हैं, सिंगल साइन से लोग भेजते ही नहीं है, ठीक है। खैर, जब पाओ सेकेंड सिग्नेटरी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ब्रांच में आपको पेमेंट करना है उस ब्रांच को, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि ब्रांच से डिसाइड होता है बैंक का, फोकल पॉइंट ब्रांच कहते हैं, कौन सा ब्रांच कहते हैं उसको, फोकल पॉइंट, है ना। और फोकल पॉइंट ब्रांच में आपको सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं, वहां पे पाओ स्पेसिमेन सिग्नेचर भेजना होता है, पाओ को क्या देना होता है, ठीक है। हाँ, और पाओ जो होता है ना अमूमन गाइडेड रैंक का ही ऑफिसर होता है, नॉन गाइडेड नहीं होना चाहिए, उसमें से भी जूनियर अकाउंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि डबल ए और जूनियर ए अब लगभग जैसा ही है, समझ गए। सेक्शन ऑफिसर को पहले जूनियर अकाउंट ऑफिसर और उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, फिर अकाउंट ऑफिसर और फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर कहा जाता था। आज सेक्शन ऑफिसर है नहीं, तो डबल ए एज गुड एज जूनियर अकाउंट ऑफिसर। तो डबल ए लेवल का अधिकारी कभी भी पाओ नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सीनियर एओ लेवल का अधिकारी होते हैं पाओ, ये सही है ना? यस सर, हाँ सर, है ना। तो पाओ जो होते हैं अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर को भेजते हैं, राइट। मान लीजिए कि अगर पाओ छुट्टी पे चले जाएं, तो भी अगर वो सिटी से हेडक्वार्टर को अगर ना लीव करें तो उनके घर में जाके साइन लेना होता है। लेकिन हम लोग किसी भी हाल में जो जिनका स्पेसिमेन सिग्नेचर गया हुआ है उसकी जगह पे किसी दूसरे से साइन नहीं करवाते। अगर मान लीजिए उन्होंने हेडक्वार्टर छोड़ दिया है, अब क्या करेंगे? अगर आपके पास में कोई दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में कोई दूसरा पाओ है तो आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं कि वो साइन करे। लेकिन अगर आपके पास में कोई दूसरा पाओ नहीं है, आपका ऑफिस छोटा है, अब क्या करेंगे आप? तब आपके पास में एक जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर होगा, जिसको कि आप अब आज के डेट में आप डबल एओ कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? Yes. तो जो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है उसको केवल स्पेशल सर्कमस्टांस में ही पाओ का पावर दिया जा सकता है। लेकिन जब आपका डबल ओ पाओ का पावर होल्ड करता है और कोई भी चेक साइन करता है, तो जो आपका रेगुलर पाओ है वो जब लौटेगा तो इसके द्वारा साइन किए गए सभी बिल को वो फिर से रिव्यू करेगा, और रिव्यू कर लेने के बाद में उसका एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बना करके सीसीए को भेजेगा कि मैंने सारा का सारा देख लिया है। मामला समझ रहे हैं? Yes. समझे कि नहीं? Yes. है ना? Yes, ये मामला है। हाँ, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है ना?
इसमें एक लाइन और लिखी गई है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट नेचर का साइन है और आदमी छुट्टी पे जा रहा है तो उसको पहले साइन कर लेगा, उसके बाद छुट्टी पे जाएगा। अपना जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर है उसके ऊपर में इम्पोर्टेंट नेचर के चेक को या बिल को नहीं छोड़ के जाएगा, समझ गए? क्योंकि उसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है। ऐसा नहीं है कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर ने साइन कर दिया और ये रिव्यू से बच जाएगा, ये रिव्यू से बचेगा नहीं। जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है तो क्यों नहीं अपने खुद साइन करके जाएगा। तो अब मामला समझ में आ रहा है पाओ का क्या रोल बनता है? आईना बताइए। यस सर, है ना। चलिए अब दो तीन बातें कुछ क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो जाएंगी? कि आपके पास में एक सीसीए है, राइट, जो अकाउंट ब्रांच का हेड है, और आपको एक पाओ है, राइट। अब होता क्या है कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे अब सीसीए से काम नहीं चलेगा, आपको सीजीए से परमिशन लेना होगा। तो किस मामले में सीजीए से परमिशन लेना होगा उसको आप लोग तीन मामलों में, ठीक है, तीन मामलों में सीजीए से परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो वो आप लोग इसको यहां देखिए, पॉइंट है आपका पारा नंबर 1.4.1। हम लोग क्या कह रहे हैं कि तीन मामलों में आपको सीजीए से परमिशन लेना होगा। देखते जाइए, द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ ईच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर हैंडल्ड बाय आरबीआई और नॉमिनेटेड ब्रांच बैंक। एक से ज्यादा बैंक, अब बैंक का मतलब आप ब्रांच मत समझिएगा, एसबीआई भी ले लिया और पीएनबी भी ले लिया, सब सीजीए के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, उसको फिर सीजीए के पास जाना होगा, समझ गए? हाँ, है ना। एग्जांपल दिख देता हूँ, एसबीआई एंड पीएनबी, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर बी है, जब सीजीए से परमिशन लेना होगा, इन एक्रेडिटेड बैंक रिक्वायर्ड टू बी चेंज, ठीक है। जब पहले एसबीआई था अब पीएनबी करना चाहते, समझ गए? तब भी क्लियर हुआ है ना, हुआ ना? आगे लिख लेते हैं। उसके अलावा कुछ और, हाँ, उसके अलावा कुछ और मामले भी हैं जब आपको सीधे आरबीआई मुंबई को अप्रोच करना होगा। मैं डायरेक्टली अप्रोच आरबीआई मुंबई, ठीक है। और उसमें आरबीआई मुंबई को कब अप्रोच करना पड़ेगा? ये तो हो गया दो मामला जब आपको किसको अप्रोच करना होगा, सीजीए को। अब और कुछ मामले हैं जिसमें आरबीआई मुंबई को अप्रोच करना पड़ेगा, क्यों? अभी तक तो आरबीआई नागपुर से आपका काम चल रहा था, अब मुंबई को क्यों अप्रोच करना चाहते हैं देख लीजिए। अगर कोई नया पाओ आपने बनाया है या बना रहे हैं, नया पाओ का मतलब नया ऑफिसर नहीं, नया पाओ का मतलब नया ऑफिस, समझ गए? वहां पे नया पाओ बनाना चाहते हैं एंड द अकाउंट टू बी ओपन इन द एक्रेडिटेड बैंक विदाउट एनी चेंज इन्वॉल्व इन द फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक। फोकल पॉइंट ब्रांच में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फोकल पॉइंट ब्रांच ये होगा सेम, माने वही न्यू पाओ ऑब्लिक सीडीडीओ ऑफिस, ये केस में आपको जाना पड़ेगा आरबीआई मुंबई के पास। और दूसरा केस क्या बनता है, रहता है कि डिफरेंट ब्रांच ऑफ एसोसिएटेड बैंक फ्रॉम स्पेसिफिक डेट इज सिमल्टेनियस क्लोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट इन अ ब्रांच ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लाइक प्रॉक्सिमिटी ऑफ ब्रांच एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ब्रांच ही चेंज कर रहे हैं, क्यों? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरेस्ट, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ब्रांच का मतलब है कि अब आपके पास में एक ऑफिस था जहाँ पे दूर में ब्रांच था, वहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा था, फिर बैंक ने समहाउ आपके ऑफिस के नजदीक एक ब्रांच खोला। अब आप चाहते हैं कि अपना उतना दूर ट्रेवल नहीं करेंगे, नजदीक के ब्रांच में अपना काम करा लेंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको आरबीआई मुंबई के पास डायरेक्ट जाना पड़ेगा। क्लियर समझ रहे हैं? हाँ, ना बताइए। जी सर, समझे। क्लोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट इन अ ब्रांच, राइट। मान लीजिए कि आप हैं, मैं मान लीजिए कि रांची में हूँ, ठीक है, रांची में हूँ, है ना, एजी ऑफिस में, ठीक है। और यकीनन मानिए यहाँ पे ऐसा हुआ है, हालांकि हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, हमारा पहले जो ब्रांच है वो दूर में था, राइट, उसके बाद में एजी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही खुल गया, तो हम लोगों ने अपना जो दूर वाला है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है,
लेकिन अगर हम लोग वहां से जो अपने ब्रांच अपना कॉम्प्लेक्स में खुला है उसमें लेकर आना चाहेंगे, तो आरबीआई मुंबई से हम लोग को परमिशन लेना होगा, परमिशन नहीं लेना तो हम लोग उसको अप्रोच करेंगे कि आप इसको अलाउ कीजिए, परमिशन नहीं लेना। इन सच केस इट कुड बी इंश्योर्ड दैट द रेफरेंस टू द आरबीआई मुंबई कंटेन फुट पार्टिकुलर्स ऑफ पाओ एंड द चेक ड्राइंग ऑफिसर वीडियो रिगार्डिंग द प्रीवियस अकाउंट नंबर एंड लोकेशन एड्रेस टू द ब्रांच बैंक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दूर वाला में तो अकाउंट नंबर आपको क्लोज करना पड़ेगा ना, अकाउंट अकाउंट क्लोज करेंगे तब तो नए वाले ब्रांच में अपना अकाउंट खोलेंगे। हालांकि अब तो अकाउंट को ट्रांसफर करने की सुविधा हो गई है, लेकिन ये वाला पुराना है, तो हो सकता है कि जो करेक्शन प्रपोज किया गया होगा इस वाले में भी किया होगा। ठीक है, अब मैं करेक्शन देखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर जान लीजिए कि पिछले वाली वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बतलाया था कि इसमें दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ दोनों शामिल हैं जिनका अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग में ऑपरेट होता है, तो वो वाला जो है उसमें दादर एंड नागर हवेली शामिल नहीं है, वो करेक्ट हो गया है। तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा करेक्शन देख लूंगा, उसके बाद आगे वाली वीडियोज में उसको बताने की कोशिश करूंगा। बता, अच्छा एक और बात इसमें रह गई है। हेलो, हाँ सर, यस आया, सर, अभी आया। हेलो, यस यस सर, सर, मैं बोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, वो टर्म है सेंट्रल स्टाम्प स्टोर, ISP नासिक। ठीक है, CSS दैट इज सेंट्रल स्टाम्प स्टोर ISP नासिक। ये टर्म यूज किया गया, कहाँ यूज किया गया है मैं आपको बता दूं। ये टर्म यूज किया गया है 1.4.3 में, 1.4.3 में, है ना। क्या है ये मैं आपको बता दूं, ISP आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि AG ऑफिस में जब मैं था मतलब हूँ, ठीक है, तो एक सेक्शन मेरा हुआ, उस वाले सेक्शन में हम लोगों को चेक प्रिंट करके मंगवाना पड़ता था। ठीक है, प्रिंटेड चेक, और वो जो चेक होता था हमको मिलता था कहाँ से, ISP नासिक से, समझ गए। अभी सेंट्रल स्टाम्प स्टोर भूल जाइए, हम लोग ISP नासिक को पकड़ के चलेंगे, राइट। तो ISP नासिक से हम लोग रिक्विजिशन भेजते थे कौन, AG ऑफिस, और AG ऑफिस को वो चेक मिलता था प्रिंटेड चेक, और वो प्रिंटेड चेक हम किसको देते थे, ट्रेजरी ऑफिसर को, समझ गए, उनके रिक्विजिशन पर। और ट्रेजरी ऑफिसर से इसको बांटता था, समझ गए, कुछ PW ऑफिसर्स को बांटता था, PW ऑफिसर्स, राइट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट का मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह को, इन तीन जगहों पे वो चेक बांटता था। चेक बांटने का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक चेकबुक वो देता था, और उस ब्लैंक चेकबुक को वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या वहां के DDOs ऑपरेट करते थे, उसका चेक साइन करके वो कॉन्ट्रैक्टर को देते थे, और कॉन्ट्रैक्टर फिर वही चेक ले जाकर के ट्रेजरी को जमा करता था। ट्रेजरी को वही चेक मिलता है जो चेक ट्रेजरी ने ऑलरेडी दिया होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड डिवीजन रांची, ठीक है, मान लीजिए कि रोड डिवीजन रांची को जो चेक दिया है, किसने दिया है, ट्रेजरी ऑफिसर रांची ने, समझ गए, मान लीजिए कि 33305 नंबर का चेक दिया है, राइट। अब ये अगर 33305 नंबर के चेकबुक से ही अगर चेक साइन करके कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, तो ट्रेजरी ऑफिसर उसका चेक साइन करेगा और अप्रूव करेगा, लेकिन अगर उसने कोई और चेक दिया है तो उसको उसका मतलब है कि वो चेक उसके पास कहाँ से पहुंचा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट। ऐसी स्थिति में वो चेक कंसीडर नहीं होता है और पास नहीं किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रेजरी ऑफिसर किसका चेक अप्रूव करेगा, वो चेक ट्रेजरी ऑफिसर को कौन देता है, AG ऑफिस, और AG ऑफिस को कौन देता है, ISP नासिक। तो क्या हुआ कि हमारे पास में चेक खत्म हो गया मेरे आने से ठीक पहले, तो मुझे सिक्योरिटी प्रेस, और मजेदार बात है कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन हमने हिंदी में किया, तो हिंदी में ये लिखा हुआ भारत, भारतीय नहीं, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, समझ गए,
और यहाँ पे चेक आया, क्योंकि आपके इस पारा में 1.4.3 पारा में लिखा हुआ है कि चेक दो तरह के होते हैं, माइकर और नॉन माइकर, समझ गए। लेकिन हकीकत यह है कि अब नॉन माइकर चेक एक्टिवेट नहीं है, केवल और केवल माइकर चेक एक्टिवेट है। तो हो सकता है करेक्शन स्लिप में यहाँ भी करेक्ट किया गया, क्योंकि अब केवल और केवल माइकर चेक ही ऑपरेट होता है। तो मामला समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। हाँ सर, ये जो एजी ऑफिस बोलिए। है वो ट्रेजरी ऑफिस को चेक देगी, हाँ बिल्कुल। सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। समझाएंगे, पर यहाँ ये आपको यहाँ तक सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आया ना, ठीक है चलिए। अब ये एजी ऑफिस जो है ना, ये एज गुड एज क्या है, किसी है, समझ गए। अब ट्रेजरी ऑफिस क्या है, पाओ, समझ गए। ये क्या है, सीसीए, और ट्रेजरी ऑफिस क्या है, पाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आईएफपी नासिक से चेक प्रिंट करवा करके किसको मिलेगा, पाओ को। रुकी रुकी, ये पाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आईएफपी नासिक से चेक प्रिंट करवा करके किसको मिलेगा, सीसीए को। तो सीसीए किसको देगा, पाओ को, ठीक है। और ये ऑथराइज कौन करेगा, सीजीए। यस सर, आप क्लियर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्लियर हुआ है ना, यस सर, हो गया ना। देखिए अब क्या हुआ कि जो पाओ है ना, पाओ फिर अपने डिपार्टमेंट को नहीं देता है, समझे, क्योंकि जहां तक चेक साइन करने का अथॉरिटी पाओ के पास नहीं है। तो पाओ क्या करेगा, सीधे कॉन्ट्रैक्टर को देगा, है ना। और कॉन्ट्रैक्टर वो चेक लेकर के कहां जाएगा, बैंक। कहां जाएगा कॉन्ट्रैक्टर चेक लेकर के, बैंक, समझे कि नहीं। और इसी बैंक के पास में ना पाओ का साइन है, हाँ कि नहीं, चलिए। इसका मतलब है 1.4 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, 1.4 में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। अब हम लोग आते हैं 1.12 पे। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसीजर आपने देखा, ये प्रोसीजर में चूंकि सारा का सारा मामला चेक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कैश सेटलमेंट वाला मामला होगा। क्लियर हुआ है ना, इसमें आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए जो मैंने आपको हेड बताए हैं, ये वाला हेड, ये वाला हेड, ये वाला और ये वाला, इसमें नल एंड वॉइड है या अनयूज है, इसका कोई जरूरत नहीं है। सही है गलत, सही है ना जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.12 में आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे वो सब आपको मैं बताऊंगा, आप लोग पूछ लीजिएगा। एक और बात आपको सूचना देनी है, वो ये है कि कैम का एमसीक्यू मैंने तैयार कर लिया है, उसमें से कुछ दिन और लगेंगे उसको फाइनल करने में। तो जैसे ही वो फाइनल हो जाता है हम आपको उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जैसे पीसी 16 वाले लोग सुबह सुबह अपना एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा शाम के समय में, 7:30 से 8:30 कर लीजिएगा आप लोग, कर सकेंगे, हाँ ना, ये करना चाहेंगे। देखिए आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज व्हाई शुड आई केयर। बोलिए सर, लंच आवर में। लंच आवर में कोई नहीं करता मैम, लंच आवर में कितने लड़के होते हैं घर जाके खाना पकाते हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, दो चार लोग करेंगे, मैंने बीच में शुरू किया था, समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं 1.12 पे। सारा का सारा जो लोचा लफड़ा है वो 1.12 में ही है, और 1.12 क्या है वो देख लीजिए। 1.12 है एडवाइस ऑन आरबीआई कास नागपुर, है ना, ऑन है कि ऑफ है, ऑन है, और बाकी जो माइनर हेड वगैरह है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ा ही पारा जो है 1.12.1 उसको आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग में से ज्यादातर लोग सो गए हैं। चलिए पढ़िए 1.12.1।
वन ट्वेल्व पर नोट, पेमेंट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द इशू ऑफ एडवाइसेस टू द सेंट्रल अकाउंट सेक्शन आरबीआई नागपुर बाय वेरियस प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीड्योर प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 8. Advices issued by a principal AO to RBI cash Nagpur in this connection for effecting monetary settlement through its books will be given the same treatment in accounts as is given to checks issued. अभी देखो ठीक है, अभी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट को दो तरह से हेल्प की है, या तो लोन दिया है या तो ग्रांट दिया है. अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का WRD है, हम सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से लेते हैं, वहां पे अच्छा खासा पैसा आता है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए. एक एग्जांपल लेंगे, हेड है वो 0700 है RR के लिए. RR का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं? रेवेन्यू रिसीव. बिल्कुल सही. RE का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये है ना. तो 6700 जो होता है हम लोग का लोन होता है, सही सर है ना. और 10% आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, राइट. 1,00,000 जब आपने लोन दिया तो आपने डेबिट किया 1,00,000, और आपका जब लोन 1 साल के बाद मिल लौटा तो 1,10,000 लौटा, घटा कि नहीं? हाँ सर. अब क्या करेंगे, जब रीपेमेंट हुआ ना, रीपेमेंट, तो रीपेमेंट में आप 1,00,000 यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, इसमें 6700 में, और 10,000 क्रेडिट कहाँ करेंगे तो बता देगा, रेवेन्यू रिसीव नहीं, 0-0-4 रेंज में. अच्छा सही की गलत सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है. अब मैं जानबूझकर भी गलत गलत बताऊंगा, ठीक. तब आप लोग अगर अलर्ट नहीं रहेंगे ना तो आप लोग गलत ही सीख जाएंगे, तब मेरी गलती अब आप लोग पकड़िए. चलिए ठीक है, तो यहाँ मामला समझ में आया कि लोन का पैसा कैसे दिया गया और कैसे रीपे किया गया, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जब एडवाइस सेटलमेंट प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपने 6700 देख लिया, ठीक है. लेकिन ये चार हेड जो मैंने बताए थे आपको, 8675 है, 8658 है, 8786 है, 8793 है, ये तो कहीं ऑपरेट नहीं होगा, वो आप बताइए नहीं बना. अच्छा चलिए उसको देख लीजिए. ग्रांट के लिए देखिए, ग्रांट जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो कौन से में मिलता है, 1,005 में, 1,006 में. ग्रांट किसे मिलता है जी, स्टेट गवर्नमेंट को. अब हमने गलत लिखा कि सही लिखा बताइए, अब हम नहीं बोलेंगे. सोलह सौ पांच जो हेड है, अब आप बताइए गलत लिखा कि सही लिखा, ठहर जाएंगे. तो यहाँ भी 1,605 लोन मिला 7,00,000 में, ग्रांट मिला 1,605 में. ग्रांट जो होता है ना वो लोन नहीं है, समझ गए, वो रिपेबल नहीं होता है, ग्रांट रिपेबल बिल्कुल नहीं होता है. तो आपने इसको डेबिट कर दिया तो कर दिया, ये क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है. खैर अब आप देखिए यहाँ पे आपको किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिसर को पता होना चाहिए कि नहीं कि पैसा गया है, हाँ कि ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिसर कौन है बोलिए,
और देन पावर सीसी है, पावर सीसी है, और स्टेट गवर्नमेंट का करंट ऑफिसर कौन है? एजी, एजी है ना। और बीच में ट्रांजैक्शन के में मीडिएटर का भूमिका कौन निभा रहा है? आरबीआई काश, आरबीआई काश नागपुर है कि नहीं। तो आपने क्या किया कि जैसे ही आपने उसको पैसा दिया, आपने अपने में डेबिट कर लिया 6700 में, समझ गए। लेकिन उसको पैसा मिला कि नहीं मिला, उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आप क्योर नहीं है ना, हाँ कि ना? आप क्योर जब तक नहीं है तब तक आप लोग क्या करते हैं कि 8658 का जो माइनर हेड 100 है, मतलब 110 है, उसमें आरबीआई का और सेंट्रल अकाउंट ऑफिस को आप लोग क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन देखिए कैसे हो रहा है, इसको मिटा दें हम। जब तक आरबीआई क्लियरेंस नहीं देती है तब तक आपने लोन दिया 1,00,000 रुपए, तो 6700 1,00,000 डेबिट तुरंत कर देंगे क्योंकि हमने पैसा दे दिया, ठीक। और जब तक आरबीआई क्लियरेंस नहीं आता है इसी समय में आप 8658 को कर देते हैं 1,00,000 क्रेडिट, समझ गए। और आरबीआई से क्लियरेंस मेमो मिलने के बाद, आरबीआई से क्लियरेंस मेमो के बाद आप क्या करते हैं, आपको पहले से पता है ना कि इसका क्लियरेंस कैसे होता है, सस्पेंस का माइनस से होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो आप क्या करते हैं, सेम हेड 8658 को माइनस क्रेडिट करते हैं 1,00,000 और वो हो जाता है जीरो, समझ गए। आरबीआई से क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये इंश्योर होता है कि फलाने स्टेट को जिसको हमने पैसा दिया था उसको पैसा मिल गया, समझ गए। जब तक वो क्लियरेंस नहीं देगा तब तक आपको 8658 में उसको क्रेडिट रखना है, ठीक है जी सर, है ना। अच्छा, आरबीआई जब क्लियरेंस देती है तब ये पैसा अब किसके पास में गया है, एजी के पास में, ठीक है। एजी के पास में भी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, बोलिए अभिना, तो बोलिए सर। सर एक बार डेबिट और क्रेडिट वाला क्लियर कीजिए ना सर। ये जो अभी हम लोग जो डेबिट किए हैं, हाँ, एक बात समझ लीजिए, सुनिए, आपको एक बात समझ लेना चाहिए। 8658 जो सस्पेंस अकाउंट है वो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट डेबिट आपको तीन तरह के हेड में ही करने हैं। वो तीन तरह के हेड कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, यही तीन तरह का हेड डेबिट होगा, अल्टीमेट डेबिट, अल्टीमेट इफेक्ट यही तीन तरह के हेड में आएगा, समझ गए। 8658 में कोई भी डेबिट अल्टीमेट नहीं है, डेबिट दिए है तो अल्टीमेटली उसको माइनस डेबिट करके जीरो करना होगा, क्रेडिट दिए तो उसको माइनस क्रेडिट करके जीरो करना होगा, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। गवर्नमेंट अकाउंट 30% कमान में रहता है, मैंने बताया था, हाँ कि ना, 1/3। Yes, sir. तो अब आप क्या करेंगे, जब 1,00,000 रुपया आपने इसको पेमेंट किया था तो आपको फाइनली डेबिट किसको करना है, 6700 को, क्योंकि लोन दिया था, लोन दिया था ना। अच्छा, अब लोन का रीपेमेंट हो रहा है, लोन आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। लोन कैसे वापस मिलेगा, एजी के मार्फत से आता है ना अकाउंटिंग आपके पास में, जी सर। yes, sir. तो आपको पास में एजी क्या करती है, इसका दो कॉपी बनाती है, एक कॉपी आपको सीधे मिल जाता है, एक कॉपी आरबीआई को भेजती है, क्लियर है? यस सर। हां सर, है ना। जब एजी आपको भेज देती है ना तब आप क्या करते हैं, 8658 में अब आप डेबिट ले लेते हैं, समझ गए, और 6700 में क्रेडिट लेते हैं। कौन, ये रिपेमेंट का मामला बता रहा हूँ। और ये वाला डेबिट कब क्लियर होगा, जब आरबीआई से आपको क्लियरेंस मेमो मिलेगा कि आपके अकाउंट में एक्चुअल लोन वहां पे जमा हो गया है बैंक में, समझ गए। देखा जी, हाँ आपको बताते सुनिए, मान लीजिए कि एक मैं हूँ और एक आप है, एक स्टूडेंट आप समझ लीजिए, ठीक।
और आपने क्या किया है कि मुझे मेरे अकाउंट में ध्यान सुनिएगा एक चेक डाला है, राइट। तो चेक क्लियर होने में 3-4 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन जिस दिन आपने मुझे चेक की फोटो कॉपी दी, हाँ जिस दिन आपने मुझे चेक की फोटो कॉपी दी उसी दिन मैंने उसको अपने में रिसीव ले लिया कि हाँ मेरा उतना पैसा आ गया है, समझ गए। और तब तक जब तक कि चेक क्लियर नहीं हुआ उसको 8658 में भी रखा, लेकिन अगर हमने रिसीट लिया है तो 6700 में क्रेडिट लिया, पैसा आया ना, तो 8658 में क्रेडिट लेंगे डेबिट लेंगे, उसका ऑपोजिट करेंगे ना। हाँ सर, इसी को कौन सा एंट्री कहते हैं, समझ गए। और जब वहां पर क्लियर हो जाएगा मेरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, अब तो मैं मोबाइल से देख सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, मतलब आपका चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन मेरा चेक क्लियर हो जाएगा उस दिन मैं सस्पेंस में उसको माइनस कर दूंगा, माइनस डेबिट है कि नहीं। कंफ्यूजन है क्या, फिर से बोलिए। नहीं सर, आप क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। चलिए पढ़िए 1.12.3। फॉर्म ऑफ रजिस्टर ऑफ रिजर्व बैंक डिपॉजिट पार्ट टू कैम 17A हैज बीन devised for use in the manner indicate in the sub para of the para and in the next para, however principal account offices which are not concerned with the operation of remittance head need not open column meant for indicating contra effect against measure head 8786 to 8789। ठीक है, अब आप रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, आपके पास में 8786 ये वाला और 8793 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 8789, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, yes, है ना। तो दो हेड है कि टू लिखा हुआ है, 8786 टू ना लिखा हुआ है जी, इसका मतलब दो हेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 8787 8788 और 8789 चार हेड की बात हो रही है, okay. हो रही है ना, okay. है कि नहीं। तो ये वाला जो है ना 8786 सेंट्रल वर्सेस स्टेट है, समझे, जब सेंट्रल स्टेट के बीच में किसी भी तरह का लेन देन होगा तब, ठीक है। और ये जो है वो डी, ये है आर, ये है पी, टी नहीं है, टी मतलब टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। तो सेंटर का डिफेंस से, रेलवे से और पोस्ट से अगर कोई लेन देन होता है तो ये तीन हेड ऑपरेट किए जाते हैं, क्लियर हुआ सर। फिर से एक बार टेलीकम्युनिकेशन, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रही हैं सर, फिर से एक बार सर जो बोले ना फिर से रिपीट कर। ये रेमिटांस हेड है, ठीक है, रेमिटांस हेड में 8786 जो है ना, ना रेमिटांस नहीं सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट है, समझे, सेटलमेंट हेड है, ठीक है। इसमें से 8786 जो है सेंट्रल वर्सेस स्टेट का सेटलमेंट है, 8787 सेंट्रल वर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री का, मतलब डिफेंस को छोड़ के बाकी सेंटर के सभी डिपार्टमेंट से डिफेंस का सेटलमेंट 8787 में होता है, सेंटर के सभी डिपार्टमेंट से रेलवे का सेटलमेंट 8788 में होता है, और सेंटर के बाकी डिपार्टमेंट से पोस्ट का सेटलमेंट 8789 में होता है, क्लियर हुआ। यस सर, ये चार हेड है, मेजर हेड में देखिएगा लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें कैसे काम होता है इसी को हम लोग को समझना है। तो भैया एक फॉर्म 17A कैम फॉर्म में आता है, ये ऑपरेट करना है। देखिए इसको हम लोग को समझना तो है ही, लेकिन ये याद रखिएगा, ये पूछेगा। इसके साथ साथ एक कैम फॉर्म और है, कैम फॉर्म 65, इसको भी याद रखिएगा, समझ गए। ये दो कैम फॉर्म यहाँ पे आप लोग को याद रखने हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो मैंने पहले भी बताया आपको बहुत सारे कैम फॉर्म है, लेकिन आपको सारे के सारे रट नहीं जाने,
वही चीज पढ़ना है या लिस्ट में वही चीज देखना है जो आपके चैप्टर में पहले से डिस्कस किया हुआ है। मान लीजिए कि 17 ए डिस्कस किया हुआ है और 17 डिस्कस नहीं किया हुआ है तो 17 मत पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन भूले भटके आ सकते हैं, पर उसके लिए पागल हो जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि 17 ए पूछेगा, 17 नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं? हाँ है ना, है ना। चलिए हम लोग आते हैं 1.12.3 में, क्या कहता है? फॉर्म ऑफ रजिस्टर रिजर्व बैंक पार्ट 2 17 ए हैज बीन डिवाइड फॉर यू इन मैनर इंडिकेटिंग इन द पारा ऑफ पारा इन द नेक्स्ट पारा। हाउएवर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस विच आर नॉट कंसर्न विद ऑपरेशन ऑफ रिमिटेंसेस डिड नॉट ओपन कॉलम मींस ऑफ इंडिकेटिंग कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मेजर 8786 to 8789। ठीक है, ये कह रहे नीड नॉट टू ओपन, इसका मतलब क्या है? कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, नीड नॉट टू ऑपरेट कह रहा है, ठीक है, ये उतना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि चारों मेजर रेट भी उतने जरूरी फिलहाल इस पारा के हिसाब से उतने जरूरी नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल एडवाइसेस फॉर पेमेंट ऑफ द टाइप रेफर्ड इन पारा 1.12.1। अब हम लोग आते हैं ऑल एडवाइसेस के बारे में। तो ऑल एडवाइसेस जो होते हैं इसमें क्लियर हो गया है कि आपका ग्रांट और लोन से जो भी ट्रांजेक्शन होना है वो एडवाइस के माध्यम से ही होना है, समझ गए? उसमें चेक और कैश का पेमेंट लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ग्रांट एंड लोन, ठीक है, वो एडवाइस के माध्यम से होगा। ये एडवाइस के माध्यम से पेमेंट कैसे होगा इसी की प्रक्रिया आगे लिखी हुई है, क्लियर है? 1.12.3 में ऑल एडवाइसेस फॉर पेमेंट ऑफ टाइप रेफर्ड इन पार्ट 1.12.1 अबव शुड बी एंटर्ड इन रजिस्टर इन कैंप इन रजिस्टर इन फॉर्म कैंप 65। एडवाइसेस को कहाँ रजिस्टर करना है? कैंप 65 में। ये क्या है? रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर ना, इस रजिस्टर का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है तो पीछे का फॉर्म में उसका नाम दिया हो सकता है, कैंप 65। कैंप 65 कोई बताएगा मुझे कैंप 65 क्या नाम है? कैंप 42, कैंप 53, कैंप 67, कैंप 66, कैंप 55। रजिस्टर ऑफ एडवाइसेस इश्यूड टू आरबीआई नागपुर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ एडवाइसेस इश्यूड टू आरबीआई कास नागपुर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रजिस्टर है ना, जितने भी ऑफिस हैं सारे के सारे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सबको एडवाइस इश्यू करना होता है। एडवाइस इशू करने का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस भी इश्यू करेगा और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस भी इश्यू करेगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में पाओ इशू करेगा और स्टेट में एजी, समझ गए? तो दोनों को ही कैंप फॉर्म 65 में आपने रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एडवाइस वहाँ इशू करते हैं। और जब वो मेंटेन करेंगे तो उसके हिसाब से उसके कंसर्न हेड में डेबिट और क्रेडिट देना पड़ेगा। आखिरकार रजिस्टर में क्या लिखेंगे? रजिस्टर में तो आप एक जगह आरबीआई का नाम लिख चुके हैं, स्टेट का नाम लिखेंगे किस हेड में पैसा दिया है और कब उसको रिसीव किया है वापस, सेटलमेंट का मामला तो ही बनेगा ना, है ना सर? बोलिए जी। देखिए यहाँ पे कह रहा है मंथली टोटल अंडर कॉलम 3 ऑफ द रजिस्टर शुड बी एंटर्ड एज क्रेडिट अगेंस्ट द हेड 8658 सस्टेंस अकाउंट रिजर्व बैंक सस्टेंस सेंट्रल अकाउंट ऑफिस इन द क्लासिफाइड एंड कंसोलिडेटेड एसेट्स। अच्छा, क्लासिफाइड एंड कंसोलिडेटेड एसेट्स का नाम किसी ने सुना है? बोलिए। सुने हैं सर। कहाँ सुना है? एसीएजी में सुना है? एसीएजी चैप्टर 1 में, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटिंग जनरल चैप्टर 1 में सुना है? हाँ कि ना? बिल्कुल। क्या सुना है? क्लासिफाइड एसेट क्यों बनाते हैं? आपके पास वो खर्चा को, आप एजी ऑफिस में है? हाँ बोलिए बोलिए सर। वो एक्सपेंडिचर को लिखने, एक्सपेंडिचर के लिए जो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। हाँ देखिए, आपके पास में ट्रेजरी से वाउचर आते हैं, चलान भी आता है, आता कि नहीं आता है? तो वो रैंडम आता है, ठीक। हाँ सर, वो हेड वाइज क्लासिफाई नहीं किया रहता है। आप क्लासिफाइड एक्सट्रैक्ट में उसको हेड वाइज क्लासिफाई करते हैं,
एडवाइस का मतलब सब मेजर हेड, सॉरी मेजर हेड, सब मेजर हेड माइनर हेड से लेकर ऑब्जेक्ट हेड तक उसको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट हेड के पांच वाउचर है, मेजर हेड चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए, वो अलग एक साथ ठीक। उसके बाद में राइट, तो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में इसकी एंट्री की जाती है, उसमें 8658 का जो ये वाला हेड है 110 वाला, उसमें क्रेडिट एंट्री की जाती है ठीक है। अब आप सोचिए क्रेडिट एंट्री आप कब करेंगे, तो आपको मैंने पहले बता दिया था, पहले एग्जांपल दिया था याद कीजिए, एग्जांपल में मैंने क्या दिया था कि जब आप मेन हेड में डेबिट की एंट्री करते हैं तो सस्पेंस में क्रेडिट की एंट्री करते हैं। उदाहरण के तौर पे 6700 में आपने लोन दिया था समझे, तो 1,00,000 आपने यहाँ क्या किया था डेबिट, और जब तक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक आपको 8658 को वही 1,00,000 क्रेडिट करना है, यही ना बोला था जी। Yes, तो जब आपका यहाँ पे 8658 को क्रेडिट एंट्री कर रहे हैं का मतलब है कि आपने डेबिट एंट्री कहीं और की है फाइनल हेड में, समझ गए। और जब यहाँ पर क्लियरेंस मेमो आ जाएगा तब आप इसको यहाँ पे माइनस क्रेडिट एंट्री करेंगे, वही तो लिखा है इसमें कि क्लियरेंस मेमो हो जाएगा तब आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस क्रेडिट। पेमेंट इज डेबिटेबल शुड बी इंडिकेटेड पोस्ट एंड स्पेयर कॉपी ऑफ एडवाइस एंड पास ऑन द कंपाइलेशन सेक्शन अलॉन्ग विद द डेली मेमोरेंडम ऑफ एडवाइस इश्यूड एंड पोस्टिंग इन द कंपाइलेशन सीट। अच्छा, एक कंपाइलेशन सीट का भी जिक्र हुआ था उसी में, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ एक कंपाइलेशन सीट का भी जिक्र हुआ था। याद कीजिए कंपाइलेशन सीट के बारे में ये लिखा हुआ था कि इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजी इसका फॉर्मेट तय कर सकते हैं, लिखा था कि नहीं इस एजी में, याद आ रहा है? यस सर। है कि नहीं? तो पहले कंपाइलेशन सीट में एंट्री करेंगे और उसके बाद में क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, समझ गए? तो जब आप कंपाइलेशन सीट बनाएंगे ना वहीं पे स्पेयर कॉपी एंट्री कर देंगे, इसमें अटैच कर देंगे स्पेयर कॉपी ऑफ एडवाइस, स्पेयर कॉपी ऑफ एडवाइस ठीक है, क्लियर हुआ है ना। और जब क्लियरेंस मेमो रिसीव हो जाएगा, इसी में सबसे नीचे में लिखा हुआ है, उसकी एंट्री 17A में करेंगे ठीक है, एडवाइस में, जब यहाँ एडवाइस का एक रजिस्टर है ठीक है, लेकिन 17A में डेबिट क्रेडिट पूरा लिखा हुआ है, तो 17A में डेबिट भी करेंगे और जब क्लियरेंस मेमो आ जाएगा तब हम उसको क्रेडिट भी करेंगे, किसमें, इस वाले हेड में डेबिट क्रेडिट और इस वाले हेड में क्रेडिट डेबिट ठीक है, जस्ट रिवर्स एंट्री होगी। हाँ ना बताइए। यस सर। तो पेज पलटिए, क्लियरेंस मेमो रिसीव्ड इन द टाइप ऑफ केसेस referred in para 1.12.2 are to be entered in a form 17A and minus debit shown in para 1.12.2, समझ गए। तो यहाँ पे आपने पहले डेबिट दिया था राइट, यहाँ पे देखिए यहाँ डेबिट दिया था, अब क्लियरेंस मेमो मिलने के बाद में इसमें क्या करेंगे, लेकिन इसमें माइनस डेबिट नहीं करेंगे, इसमें माइनस डेबिट, हाँ इसमें करेंगे क्योंकि आपको पैसा वापस मिला है ना, समझ गए। चलिए आगे लिखता है, द टोटल रिसीट एंड डिसबर्समेंट इन कॉलम 5 एंड 11 ऑफ द सेल्स रजिस्टर विल बी रेकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री ऑफ द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट अगेंस्ट द हेड 8675 डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। यहाँ पे आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अभी तक हमने इसकी कोई चर्चा ही नहीं की, नहीं की है ना। होता क्या है कि 8658 को जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तब आपको क्या देखना होता है, दरअसल आप लोग ये देखते हैं कि हमारा कितना पैसा उसके पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। 8658 इज अ रजिस्टर शोइंग पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट, एडवाइसेस पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट, समझ गए। तो रिसीट का भी आपको वो जो एडजस्ट नहीं हुआ 8675 में, समझे, रिसीट का भी पैसा, क्योंकि आपको तो पहले ही, मान लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और आपने स्टेट को लिया था लोन, दिया था और स्टेट ने उसका रीपेमेंट किया, तो वहां के एजी ऑफिस से एक कॉपी आपको मिल गई, एक कॉपी आरबीआई को गई, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जब आपको कॉपी मिल गई तो आप पहले जान गए कि वो कॉपी आ गई है, लेकिन अब मंथली अकाउंट क्लोज करना है, क्लोज करना है ना, क्लोज करने से पहले आरबीआई की तरफ से आपके पास में क्लियरेंस मेमो आया नहीं, तो आप उसको 8675 में डालेंगे ठीक है। और डिसबर्समेंट का वही मामला है, हमने उसको पेमेंट किया है लेकिन मेरे अकाउंट से कटा है कि नहीं कटा है ये भी आरबीआई ने अभी तक हमें नहीं दिया, ऐसे सभी मामलों को हम लोग 8675 डिपॉजिट रिजर्व में रखते हैं। और बेसिकली ये साल के अंत में पूरा टोटल किया जाता है अनक्लियर बाय,
डिपॉजिट कहलाता है, समझ गए है ना, समझे कि नहीं? सर एक बार फिर से जी इसको एक्सप्लेन कीजिए ना सर, सर फिर से एट बता दें, एट सिक्स सुनिए। सेवन फाइव वाला। हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने अपने चेक को अपने ब्रांच अपने बैंक में दिया या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्टर को चेक देते हैं तुरंत अपने वाले अकाउंट में से उसको मतलब उसको डेबिट कर लेते हैं कि हमने खर्च कर दिए इतने पैसे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके बैंक का जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें से उतने पैसे कटे ही नहीं है और पूरा महीना बीत गया, महीना बीत गया तो आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना, इसी वजह से आप लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते हैं? यस सर। तो ये एक तरह का बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हेड है 8675 जो आरबीआई के साथ आप रिकंसाइल करते हैं। अब क्लियर समझ आया? यस सर। हाँ एक तरह का पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट, रिसीट पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसबर्समेंट पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट, क्लियर हुआ? क्योंकि आपको अकाउंट क्लोज करना है ना, और जानते हैं जब आप पूरे साल का अकाउंट क्लोज करते हैं ना तभी वाले हेड में जो भी पैसा रहता है रिसीट वाला पैसा और डिसबर्समेंट वाला पैसा साल के अकाउंट क्लोज होने के समय में आप सब का सब पैसा ट्रांसफर कर देते हैं 8999 को। किसको ट्रांसफर कर देते हैं? 8999 कैश बैलेंस को। तो कौन सा पैसा ट्रांसफर करते हैं? 8675 वाला पैसा, समझ गए? रिजर्व बैंक वाला। निकल जी हाँ समझ गया सर, क्या बोले? समझ गया सर। ये कहाँ लिखा हुआ है? 1.12.8 का नोट पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है ये? 1.12.8 का नोट में लिखिए, पढ़िए जरा नोट में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 1.12.8 का नोट पढ़िए जरा। The final adjustment for transferring the amount for the head 8675 deposit with Reserve Bank to 8999 cash balance will be done by the controller CGA. तो ये कौन बनाता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन करता है? किसके पावर में है? CGA. CGA के पावर में। क्लियर हुआ? हर कह रहे हैं इंटरेस्टेड, डेफिनेटली इंटरेस्टेड तो ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में 1.12.6 पढ़िए जरा, 1.12.6 ये सब जो एडजस्टमेंट आरबीआई करता है ना, समझे? आरबीआई से प्रोफर्मा अकाउंट बनाता है, समझे? वो लिखा हुआ 1.12.6 में, आरबीआई जो भी एडजस्टमेंट कर रहा है, समझे, आरबीआई उसका एक प्रोफॉर्मा अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोफॉर्मा अकाउंट। कहाँ लिखा हुआ है? 1.12.6 में, पढ़िए जरा। और ये जो प्रोफॉर्मा अकाउंट होता है ना वो एक तरह से लेजर अकाउंट की तरह का होता है जो कि हर एक मिनिस्ट्री के लिए होता है, अलग सेपरेट फॉर ईच मिनिस्ट्री, समझ गए? सेपरेट फॉर ईच मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट जिसका वो एडजस्टमेंट कर रहा होता है। सर ये जो परफॉर्मा अकाउंट बनता है वो तो एक कॉमर्शियल बेसिस पे होता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, उसी तरीके से बनाता है वो, रिसीट एंड पेमेंट साइड में, मतलब वो हर हाल में दो एंट्री दिखाएगा। देखिए कॉमर्शियल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत समझिएगा, डबल एंट्री सिस्टम को कहिएगा प्रोफॉर्मा अकाउंट। yes, समझ गए? आपका मोस्ट प्रोबेबली डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे लोन वाला मामला ही ले लें, ठीक है? लोन वाला मामले में 6700 का आप 8658 में कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आरबीआई इन्वॉल्व है और आरबीआई से आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक? लेकिन मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं 2700 में, इसमें दूसरा कोई हेड ऑपरेट होगा ही नहीं, समझ रहे? 8782 ऑपरेट रेमिटांस हेड होता है, पर ये रेमिटांस हेड है, सस्पेंस हेड नहीं है, समझ गए? इसी वजह से इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम नहीं, ठीक है ना? डबल एंट्री सिस्टम जहां भी होगा वहां पे उसको प्रोफॉर्मा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और डबल एंट्री सिस्टम क्यों है भैया? एक आदमी ने पैसा दिया दूसरे को और मैं बीच में हूं, तो
तो मुझे यहाँ से पैसे मिले इसको देने हैं, तो इसके वाले अकाउंट में मुझे एंट्री करनी होगी, इसके वाले अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी। जब इसने पैसे वापस लौटाए तो इसको मैंने दिए, फिर वापस लौटाने समय इसके वाले में भी एंट्री करनी होगी, इसके वाले में भी एंट्री करनी होगी, तो प्रोफॉर्मा अकाउंट मेंटेन करना होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर, समझ गया ना? चलिए लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 1.12.7। 1.12.7 क्या कह रहा है उसको आप लोग देख लीजिए, एक बार जरा पढ़िए, तब तक मैं मिटाता हूँ। पढ़िए 1.12.7। द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द पब्लिक और अदर नॉमिनेटेड विद इन ब्रैकेट प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्पेंसेड द फिगर्स रिपोर्टेड बाई सेंट्रल अकाउंट सेक्शन आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर अंडर अंडर बी अबव द क्लियरेंस विल बी इफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ ए ट्रांसफर एंट्री बाई अफोर्डिंग माइनस डेबिट अगेंस्ट द सस्पेंसेड to the extent of the total receipt shown in the report and minus credit to the extent of the total disbursement shown with contra entry against the head 8675 which is deposit with Reserve Bank Central Civil Reserve Bank PSB on the appropriate side. ठीक है, अब रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे। पहला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं भैया, ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस जो कि सीसीए होते हैं, ठीक है, ये क्लियरेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई बैलेंस जो होता है आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिंसिपल एओ की, राइट। अब आपने क्या सुना? सुना ये कि जब आप रिसीट करेंगे तो माइनस डेबिट करेंगे, ठीक है, सुना? माइनस डेबिट रिसीट के लिए, ठीक है, और माइनस डिस्बर्समेंट के लिए, ये देखा है जी? हाँ, रिसीट करेंगे तो माइनस डेबिट है ना, और डिसबर्समेंट करेंगे तो माइनस क्रेडिट। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी देख लीजिए भाई। सिंपल है, आपको मैंने पहले बताया था कि आप पहले पहला वाला एंट्री देखिए, 6700 में आपने पेमेंट किया था तो डेबिट किया था, समझ गए? उसी समय में आपने क्या किया था, 8786 को आपने क्रेडिट किया था, किया था नहीं किया था? ठीक है, बोलिए। है कि नहीं? तो अब जब आपने पेमेंट किया था तब डेबिट, तो रिसीट करेंगे तो क्या होगा, माइनस डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, है कि नहीं? ये देखिए, और यहां पे जब आपने डिसबर्समेंट किया था, ठीक है ना, रुकिए, जब आपको मिला था पैसा, ठीक है, व्हेन रिसीव्ड, तो वहां क्रेडिट किया था, तो डिसबर्समेंट करेंगे तो आपको माइनस क्रेडिट करना होगा कि नहीं करना होगा? अरे भैया, आपको लोन मिला, लोन मिला तो आपने रिसीव किया, रिसीव किया तो क्रेडिट किया, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से समझिए ना, ठीक। तो जब आपने रिसीव किया तो आपने क्रेडिट किया, अब आप डिसबर्स करेंगे तो माइनस क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोली बोली, ठीक है। चलिए, लास्ट में जो पारा बच गया है वो 1.12.9 बच गया है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, और इस पारा के बाद में हम लोग यहां इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो 1.12.9 में क्या कह रहा है आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। देखिए 1.12.9 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिंग, हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं 1.12.9, ठीक है, हाँ, हेलो, चलिए 1.12.9 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिंग रिकंसिलेशन बिटवीन द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल विद रिजर्व बैंक एज रिपोर्टेड बाय द आरबीआई एंड नेट रिजल्ट ऑफ द
क्रेडिट डेबिट टू द हेड आरबीआई डिपॉजिट रिपोर्टेड टू द अकाउंट रेंडर्ड बाय द वेरियस प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस विल बी दैट ऑफ द ऑफिस ऑफ सीजीए इन इफेक्टिंग सच रिकंसिलेशन द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस एट द बैंकिंग ट्रेजरी एज वेल एज एट द सेंट्रल स्टेट एडजस्टमेंट एडवाइसेस बाय अकाउंटिंग जनरल एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. होता क्या है कि पीआरएओ अपना पीआरएओ का मतलब हो गया सीसीए है ना. सीसीए क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है का मतलब ये नहीं कि वो क्लियरेंस कर देगी. ठीक है उसके पावर में नहीं कि क्लियरेंस कर ही देगी. वो उसको आगे बढ़ाएगी. ठीक तो आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ भाई कि आरबीआई अपना भेजेगा स्टेटमेंट और इसके पास में 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई समझ गए. अगर ये टैली नहीं करेगा तो बैलेंस क्रिएट होगा. ठीक ये जो बैलेंस है ना समझ गए इसको बहुत सारे पाओ से मिलता है. पाओ वन पाओ टू पाओ थ्री बहुत सारे. ठीक है अब ये क्या करेगा कि ये अगर बैलेंस रह ही गया है समझ गए तो इसको लास्टली सीजीए के पास भेजना पड़ेगा. बात समझ रहे हैं है ना. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1.12.9. ठीक है देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव रिकंसिलेशन बिटवीन नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कुछ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा इसी को कहते हैं नेट इंक्रीज ऑब्लिक नेट डिक्रीज. ठीक है इस वाले बैलेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही. बार बार पाव जो है हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है. ठीक है तो ये नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द बैलेंस और बैलेंस कहाँ पे होगा कौन से वाले हेड में 8675 आरबीआई डिपॉजिट यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है इसके साथ में आपका जो अपना आया है स्टेटमेंट आरबीआई के स्टेटमेंट के साथ में आपका आपका वाला ये है आरबीआई का अलग आएगा. ठीक है उसके साथ में जो स्टेटमेंट से आपका नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बैलेंस दिखेगा राइट वो आपको रिपोर्ट करना होगा अकाउंट रेंडर्ड बाय प्रिंसिपल पाओ टू द ऑफिस ऑफ सीजीए इन इफेक्टिंग सब रिकंसिलेशन द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस एट द बैंकिंग ट्रेजरी एज वेल एज द सेंट्रल स्टेट एडजस्टमेंट एडवाइज बाय अकाउंटेंट जनरल एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट. ठीक है इन सब में जो बैलेंस होगा उसमें से दो चीजें और टेकन इन टू अकाउंट की जाएंगी. वो कौन सा होगा एक होगा आपको सेंट्रल स्टेट एडजस्टमेंट. ठीक है सेंट्रल स्टेट एडजस्टमेंट एक तो इसको लेना पड़ेगा. ठीक है और ये कौन एडवाइस करेगा बाई एजी राइट और दूसरा जिसको लेना होगा वो तो कौन सा होगा बैंकिंग ट्रेजरी के तरफ से जो आएगा बैंकिंग ट्रेजरी जिससे जो आएगा बैलेंस उनको भी इसमें लेना पड़ेगा. ये हो गया वन और ये हो गया टू. ठीक है तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर वन. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है और आपके किसी काम में आता है तो आप लोग उसको शेयर कीजिए. थैंक यू माई यूट्यूब व्यूअर्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.